दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जहाँ पे जीरो पोल्यूशन है, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपके कुछ वीडियो देखे थे जिसमें आपने फार्म हाउस वगैरह कवर किए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके वीडियो के जो रिस्पॉन्स वगैरह जो आते हैं। टोटल लैंड साइज है इसका अप्रोक्सीमेटली 7000 गज के आसपास है। फार्म हाउस से 5 किलोमीटर दूर ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जो एग्जिट बनने वाला है। दिल्ली में AQI मान लो 350-350 होता है, आप मान लीजिए उसका सिर्फ 40% यहाँ रहता है। मिस्टर गडकरी के अंडर है ये प्रोजेक्ट और ये विद इन 1.5 ईयर डेफिनेटली ये हो जाएगा। बड़ा शांति प्रिय इलाका है, बचपन से हम आते हैं यहाँ पर। मैं सर आपसे चैलेंज करता हूँ कि इस तरह की लोकेशन आप दिल्ली से शुरू कीजिए, पंजाब तक जाइए, इधर आप आगरा साइड में चले जाइए, आप राजस्थान में इस साइड चले जाइए, आपको इस तरह की लोकेशन आपको फार्म हाउस की नहीं मिलेगी। दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूं जहां पे जीरो पोल्यूशन है, जीरो ट्रैफिक है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में ये प्रॉपर्टी है। तो आप लोग गैस करो कि दोस्तों कि मैं आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी पे लेके आया हूं और कहां पे। तो दोस्तों ये जो एनवायरनमेंट है जहां पे अभी मैं खड़ा होकर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, यहां पे कोई शोर शराबा नहीं है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल साइलेंट वातावरण है, जीरो पोल्यूशन है यहां का। और मौसम यहां पे ऐसा हो रखा है दोस्तों, बिल्कुल आप अगर मैं इस समय टाइम की बात करूँ तो 5 बजे हैं, इस टाइम शाम के 5 बजे हुए और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे हुए हो। तो इतना साइलेंट एरिया है, पहाड़ है चारों तरफ, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक फार्म हाउस प्रॉपर्टी है जो कि न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी है और इसके चारों तरफ जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो पहाड़ी हैं, क्योंकि अकेला फार्म हाउस है पहाड़ियों के बीच में और कोई भी यहाँ पे अदर फार्म हाउस लैंड पार्सल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे, मेजर अगर आपकी बात करो तो DMIC इस प्रॉपर्टी के तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे निकलना है। अभी मैंने यहाँ काफ़ी हिरण यहाँ पे मैंने देखे हैं, यहाँ पे नील गाय अभी बिल्कुल फार्म हाउस के बगल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है न्यू बिल्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की लोकेशन हम समझेंगे, जिसने इस फार्म हाउस को डेवलप किया है उसी से हम प्रॉपर्टी की डिटेल को जानेंगे। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप फैमिली के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप अपने एनवायरमेंट, आप शहर से दूर एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर आप बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं या एक आप अच्छा ओकेजन प्लान करते हैं तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। और ये प्रॉपर्टी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आती है और साथ में अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो खुद के लिए भी बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ में हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी की क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, किस तरीके के से ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत खास है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर से और समझते हैं इस प्रॉपर्टी की मोर डिटेल। तो दोस्तों हम मिस्टर रवि भारद्वाज जी के साथ हैं, तो मिस्टर रवि भारद्वाज जी का ही ये प्रॉपर फार्म हाउस है। तो हम सर से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इस प्रॉपर्टी की डिटेल को समझेंगे और भी क्या इसके बेनिफिट्स होंगे अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मिस्टर रवि जी इस फार्म हाउस को फिलहाल सेल करना चाहते हैं, इन्होंने इस फार्म हाउस को अपने हाथों से डेवलप किया है, सारी चीज़ें समझते हैं। तो रवि जी आप थोड़ा इस फार्म हाउस के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। सर थैंक यू सर फॉर योर विजिट। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपके कुछ वीडियो देखे थे जिसमें आपने फार्म हाउस वगैरह कवर किए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके वीडियो के जो रिस्पॉन्स वगैरह जो आते हैं जी। तो फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया और थैंक यू आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और आपने अभी फार्म हाउस देखा है। वो तो आगे मतलब कि वीडियो में आप बताएंगे कि भी किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है, सब मतलब कि बात पता लगेगी, पर मैं जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ फार्म हाउस के बारे में कि जो टोटल लैंड साइज है इसका अप्रोक्सीमेटली 7000 गज के आसपास है। तो अगर आप एकड़ में निकालें तो पौने दो एकड़ के आसपास का मतलब की लैंड साइज है। और इसकी लोकेशन जो है, मैं सर आपसे चैलेंज करता हूं कि इस तरह की लोकेशन आप दिल्ली से शुरू कीजिए,
चलो उत्तराखंड में तो आपको मिल जाएगी है जी, पंजाब तक जाइए, इधर आप आगरा साइड में चले जाइए, आप राजस्थान में इस साइड चले जाइए, आपको इस तरह की लोकेशन आपको फार्म हाउस की नहीं मिलेगी। नहीं मिल तो फार्म हाउस में सर, ये तो बात सही कह रहे हो आप कि फार्म हाउस में पैसा लगा के उसको बना कैसे ही सकते हैं, बट जो ये व्यू पहाड़ियों का है ये नहीं है। ये तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये नहीं बना सकते। आप चाहे कितना पैसा लगा लो सर, ऐसे मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑडियंस को बताया कि भाई यहाँ पे हिरण नील गाय वगैरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, और जो वातावरण अभी हम बैठे हैं ये नहीं है कहीं बिल्कुल। जो एक्चुअल में जो फार्म हाउस की जो फील होती है ना दोस्तों, वो ऐसी ही होनी चाहिए। फार्म हाउस आपको शहर में मिल जाए वो फार्म हाउस थोड़ी ना है, वो तो जितने ज्यादा लैंड पार्सल होगा आप उसके ऊपर अपनी कोठी बना रहे हो। एक्चुअल में फार्म हाउस एग्रीकल्चर से जुड़ा होना चाहिए, इन्वायरमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो ये सर यहाँ है, तो आप कब से यहाँ फार्म हाउस पे हैं और कब आपने इसको डेवलप किया सर? सर एक्चुअली मैं आज की डेट में मेरा स्टेटस जो है NRI है। ओके सर। और 2020 में मैं तो मतलब कि होली की को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में आया था। ओके। मेरे ख्याल से 13-14 मार्च की शायद होली थी और 20 मार्च को ये लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा था सर, पूरी दुनिया जाम, सबको पता है कहने की क्या जरूरत है, जिंदगी के असली मायने क्या है लोगों को समझ में आ गए थे। तो उसके बाद तो फिर मैंने सोचा भाई अब जो है ठीक है, अब लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो उससे पहले मैंने ये लैंड परचेज कर ली थी, और यहाँ लैंड परचेज करने का एक रीजन ये है कि बड़ा शांति प्रिय इलाका है, बचपन से हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2017 में मैंने ये लैंड परचेज की थी। ओके। तो जब कोरोना खत्म हो गया 2021 अक्टूबर में मैंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ओके। हाँ जी, और पिछले 2 सालों से मैं मतलब कि अब मैं और मेरी वाइफ जो है यहाँ पे परमानेंटली रहते हैं। टोटल मतलब ये है कि यहाँ पे एक्चुअली में लाइफ जो स्पेशली कोरोना के बाद जो लाइफ हम यहाँ जी रहे हैं वो बिल्कुल उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते एक्चुअली में, जो इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब दिल्ली में AQI मान लो 300-350 होता है, आप मान लीजिए उसका सिर्फ 40% यहाँ रहता है। अगर दिल्ली में 200 है तो आपको यहाँ पे 105-100 ऐसा AQI मिलेगा, 90 AQI मिलेगा। बिल्कुल सर। और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि जो पक्षियाँ शहर में नहीं है वो यहाँ पे आवाज, वो जो बर्ड्स की जो एक्चुअल वॉइस होती है वो यहाँ पे है, ऑर्गेनिक है। है ना, तो यहाँ पे वो फील आता है सर कि आप सच में ही कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब वो लाइफ जीने का मजा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं जो जो पक्षी हमने शहरों में सालों से नहीं देखे थे वो पक्षी अब सारे यहाँ पे हमें मतलब नजर आते हैं। बिल्कुल। हाँ तो एक तो यही था। अच्छा दूसरा फिर क्या, बिल्कुल एकदम शुद्ध वातावरण है, घर में गाय रखी हुई है, दूध दही छाछ पनीर सब घर का है। okay. और गांव की सेवा का भी इस बहाने एक मौका मिल गया। तो बड़े आनंदित है जी। सर जहाँ पशु हो, खुद का दूध दही का खाना हो, सर उस भर की मौत का है। बिल्कुल बिल्कुल। फार्म हाउस जो मैंने काफी फार्म हाउस देखे, एक्चुअल में जो फार्म हाउस का जो मोल निकल के आता है सर, वो आपने लिया है यहाँ पे। हाँ जी। तो सर यहाँ की एक बार थोड़ी सी मुझे लोकेशन बताएंगे कि क्या मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ ऐसी आ रही है जिससे? सर अभी आप मान लो आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आप राजीव चौक गुड़गांव में है, यहाँ पे पहुंचने के लिए आज की डेट में जो आपको लगता है वो 2-2.25 घंटे लगते हैं। तकरीबन जो टोटल किलोमीटर में बताऊं तो 120 किलोमीटर के आसपास है, पर ये डिस्टेंस जो है मतलब कि 80 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे। उसका रीजन ये है कि फार्म हाउस से 5 किलोमीटर दूर ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जो का जो है एग्जिट बनने वाला है, क्लोवरली बनेगा। हाँ जी। तो वहां से आप गुड़गांव से आएंगे बड़ौदा मेव और बड़ौदा मेव से यहाँ पे, तो टोटल आपका जो ट्रेवलिंग टाइम होगा सिर्फ 80 मिनट रह जाएगा। और इस वजह से लोगों ने वहां पे काफी लैंड वगैरह भी एक्वायर कर लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्रेस हाईवे जो है उसके आसपास गोडाउन वगैरह ये वो, तो काफी एक्टिविटीज हो रही है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन बदल दे या नहीं दे। मिस्टर गडकरी के अंडर है ये प्रोजेक्ट, और ये विद इन 1.5 ईयर डेफिनेटली ये हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पर्पस तभी सोल होता है जब पेरिफेरल रोड्स भी जल्दी बने। बिल्कुल। इसके साथ साथ सर जैसे नेशनल हाईवे NH8 है,
क्योंकि इसको नेशनल हाईवे एनएचएट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। हाँ, तो नेशनल हाईवे एनएचएट की भी मेजर डेवलपमेंट की प्लान आ चुकी है, जैसे कि एलिवेटेड है कई जगह, जैसे फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर को पास किया जा रहा है जहां जहां जाम की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कनेक्टिविटी तो जैसे आपने बताया कि यहाँ तो ऑलरेडी प्लान है, क्योंकि डीएमआईसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो डायरेक्ट मुंबई से लेके दिल्ली को जोड़ता है, और ये डीएमआईसी कनेक्ट साथ में प्लान अभी और भी चल रहा है कि इसको जे एयरपोर्ट के साथ भी जोड़ा जाएगा सोना से, रैपिड रेल सिस्टम भी आने वाला है, उसका भी प्लानिंग सर काफी चल रही। तो मेजर कनेक्टिविटी अपने पास होगी सर, एनवायरमेंट ऑलरेडी है। तो सर थोड़ी सी अभी फार्म हाउस के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने क्या क्या इस फार्म हाउस को डेवलपमेंट करने में। डेफिनेटली, बट कनेक्टिविटी की जब आपने बात की है तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी। कि यहाँ से आप जयपुर जाना चाहते हैं, 140 किलोमीटर यहाँ से आपको जयपुर पड़ेगा, नीमराणा 50 किलोमीटर आपको पड़ता है, अलवर 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो और आधी रात को कनेक्टिविटी है यहाँ से, चाहे आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन ना मिले उसके बावजूद भी आप रोड पे खड़े हो जाओ, आपको 5 मिनट में कोई ना कोई साधन, आपको कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल। मैंने ये भी देखा कि बिल्कुल फार्म हाउस के बगल में पुलिस स्टेशन है। हाँ जी, पुलिस स्टेशन है और बहुत अच्छे रिलेशन है उनके, और मैं तो कहूँगी यहाँ पे सभी बड़े लोग हैं, एसपी, डीएसपी, एसडीएम सब आते हैं वहाँ की, क्योंकि यहाँ आसपास इस तरह का मतलब कि फार्म हाउस वगैरह नहीं है, तो कभी भी उनको अपने हायर लेवल की मीटिंग्स भी कभी करनी होती है तो डीसी साहब वगैरह ये रिक्वेस्ट करके थोड़ा बोलते हैं, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, पड़ोसी हैं, काम आएंगे, क्यों नहीं। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे मार्केट भी काफी अच्छी मार्केट बताई थी कि बिल्कुल बगल में मेन रोड के ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल, ये फार्म हाउस भी मेन रोड पे ही है और ये यहाँ से बस स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे ही कम से कम 200 दुकानें हैं, हर चीज अवेलेबल है। आपको आधी रात को मेडिसिन चाहिए, 4 मेडिकल स्टोर हैं, 2 एटीएम यहाँ हैं, 2 एटीएम पीछे हैं, 4 पेट्रोल पंप हैं। तो पर उसके बावजूद भी जब आपने फार्म हाउस में, तो आपको ये लगेगा कि किसी जंगल में टोटल इन फॉरेस्ट। तो हर लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी एक मतलब बहुत ही शांति प्रिय मतलब की लोकेशन है हमारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, ये फार्म हाउस आपने कब बनाया था सर? सर ये अक्टूबर 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। हाँ, और तकरीबन 9 महीने के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, सिविल वर्क हो गया था, बाकी 4 महीना फिर मेरे को इसमें मतलब की फर्निशिंग के अंदर लगा, मतलब की हाँ, जिसके अंदर आपका लकड़ी का काम आ गया, टाइल्स, ग्रेनाइट्स, विंडोज और अपना फर्नीचर वगैरह सब ये मतलब करने में टोटल कंप्लीट। ये फार्म हाउस सर कितने गज के अंदर अभी डेवलप है? सर ये जो अपना टोटल कवर्ड एरिया जो है वो है, इसमें डुप्लेक्स है, G+1 का ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें टोटल 7,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर्ड एरिया आता है, जिसके अंदर आपको बालकोनी आ गया, बरांडा आ गया, ये हो गया, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे मतलब कि जो हाइट है, लिविंग एरिया की जो हाइट है मतलब वो तो 22 फीट की है, डुप्लेक्स टाइप का बना हुआ है। और एक बेडरूम है, किचन है और पाउडर रूम है, सिर्फ नीचे इतना ही रखा है, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, स्टोर है और वहां पे भी लॉबी है। हाँ जी, तो मतलब आपने 4 बेडरूम आपने बताओ, 4 बेडरूम आपके मास्टर बेडरूम है ऑलमोस्ट, 2 तो डेफिनेटली ही हैं, बट अगर साइज देखें तो यू कैन से क्योंकि साइज अच्छा है, साइज अच्छा है, और चारों के अंदर अटैच लेट बाथरूम और मतलब की वॉक इन क्लोजेट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, रूम्स वगैरह के अंदर किसी भी तरह का क्लोजेट वगैरह नहीं लगाया है। दोस्तों ये डुप्लेक्स फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन है, और सर का कहना है कि जो इनके पास सर जो इंजीनियर आपके पास जो काम जिससे आपने ये बनवाया, उन्होंने जैसे कि आपने बताया कि आप इसके ऊपर 2 मंजिल और बना सकते हैं जो अप्रूव्ड है, या यही था कि देखो ये ऐसी जगह है कभी भी एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं मान लो कमर्शियल लैंड वगैरह के अंदर, तो रिसोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब तो जो हम उसका जो हमने बेस क्रिएट किया है, जो उसकी फाउंडेशन हमने जो क्रिएट की है वो इस हिसाब से क्रिएट की है कि इसके ऊपर आप जितना अभी है उससे 2 मंजिल और ऊपर बना सकते हैं, और वो मतलब की सिविल इंजीनियर ने मतलब की सर्टिफिकेट दिया हुआ है इस चीज का। तो सर इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है थोड़ा सा आप बताएं? सर ये फुल्ली फर्निश्ड है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल टू वॉल कारपेट,
पूरा फर्नीचर है मेड इन इंडिया फर्नीचर है, सॉलिड वुड का फर्नीचर है सारा। टोटल 10 एसी लगाए हुए हैं, स्प्लिट एसी। सबकी यूनिट जो है टेरेस पे रखी हुई है, अंडरग्राउंड उसकी मतलब की फिटिंग है इसकी एसी की। और 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है विद बैकअप ऑफ 8 बैटरीज, तो लाइट आए जाए आपको बिल्कुल कभी भी पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ 1 सेकंड के लिए हमारे फार्म हाउस में लाइट नहीं जाती है। एंट्रेंस पे फाउंटेन लगाया हुआ है, इवन किचन जो है वो पूरी फर्निश्ड है, मतलब ये आपका मॉड्यूलर किचन है। उसमें वेट एरिया जो है वो अलग है, जिसमें आपका वॉशिंग मशीन आ गया और यूटेंसिल्स वगैरह क्लीनिंग वगैरह के लिए एरिया है। और कुकिंग किचन जो है वो सेपरेट है, उसके अंदर भी फ्रिज है, माइक्रोवेव है, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, मतलब पूरी, मतलब यू हैव टू जस्ट कम विद योर क्लॉथ, दैट्स ऑल। एवरीथिंग इज वेरी हाई क्वालिटी, मॉडर्न थिंग्स भी है, मतलब यूज इन। आपने और इसके अलावा सर, जहाँ इस टाइम हम लोग बैठे हैं, जहाँ ये चल रहा है इंटरव्यू, उस ये 2500 स्क्वायर फीट का डेक बनाया हुआ है। ओके, हाँ, काफी प्यारा डेक है ये। हाँ जी, अच्छा, छोटी मोटी पार्टी गैदरिंग या हाँ, भी आप कर सकते। अच्छा, आप जो इतनी ग्रीनरी देख रहे हैं उसके पीछे रीजन यही है कि जैसे ही 2017 में जो मैंने लैंड परचेज किए, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली इसमें बाउंड्री वॉल करवा के और इसमें चारों तरफ पेड़ लगवा दिए थे। ओके, ये प्रॉपर सेफ है ना सर? ये 100% सेफ है, क्योंकि इसके 8 फीट की तो बाउंड्री है, उसके ऊपर 3 फुट के मतलब की एंगल लगा के बॉब वायर की हुई है। ओके, और सर मैं 2 साल हो गए मतलब यहाँ रहते रहते, आज तक किसी ने बाहर मतलब किसी की इतनी मजा नहीं कि कंकड़ भी मतलब बाहर से फेंका हो। और दूसरा मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन है। हाँ बिल्कुल, हाँ। और अपना जो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 जर्मन शेफर्ड मैंने पाले हुए हैं, पूरी रात पहरा देते हैं, तो सिक्योरिटी बॉक्स। वैसे भी मतलब ये एरिया जो है ना बहुत शांति प्रिय है, मतलब किसी तरह का आज तक यहाँ पे कभी सुना है, क्योंकि हम तो बचपन से आते हैं, हमारे ननियाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फार्म हाउस में रह रहे हैं, एज गुड एज यू आर लिविंग इन ए टाउन। दोस्तों, हमने इस एरिया में काफी विजिट किया, बट ऐसा फार्म हाउस कहीं नहीं था। पहली बात तो इस एरिया में फार्म हाउस है ही नहीं, क्योंकि सर ने प्रॉपर तरीके से खुद के रहने के लिए फार्म हाउस बनाया है, ना कि किसी ऐसे बिजनेस करने के लिए। और सर के पास ऑलरेडी काफी ऑफर थे इस फार्म हाउस को रेंट पे करने के लिए। 5 से 10 लाख रुपए आपका मिनिमम मंथली रेंट यहाँ पे मिल जाता है। सर किसने ऑफर किया था आपको रेंट? सर यहाँ से मैंने कहा ना कि सिर्फ 40-45 किलोमीटर जापानी सिटी है निमराना। ओके, हाँ निमराना में। हाँ, तो वहाँ के जो MDs वगैरह हैं जापानीज कंपनीज वगैरह के लिए, तो वो वहाँ मतलब होटल्स वगैरह में रहते हैं। ओके, उन्होंने स्वीट्स वगैरह लिए हुए हैं और वहाँ रहते हैं। आज की डेट के अंदर 40-50 किलोमीटर अपनी गाड़ी में ट्रेवल करना है कितना, 45 मिनट, 1 आवर्स। बिल्कुल, हाँ, तो उन लोगों ने मतलब भी अप्रोच किया था इस चीज के लिए, उसके लिए। सर ये जो डेवलप है आपका कंस्ट्रक्शन, हाँ, इसके अलावा जैसे कि गार्डन एरिया और हाँ, बाकी ये कितना एरिया हमारा बच जाता है? सर इसमें एक छोटा गार्डन है, वो भी मेरे हिसाब से जो है तकरीबन 7-8 हजार स्क्वायर फीट का एक है और 30 हजार स्क्वायर फीट का एक है। ओके, और टोटली ग्रीन मतलब की है, और पूरा मेंटेनेंस वगैरह के लिए हमने 5 हेल्पर रखे हुए हैं, और वो भी यहीं रहते हैं, फार्म हाउस में ही रहते हैं। बहुत कोऑपरेटिव है, पूरा मेंटेन करते हैं मतलब की, तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरह से मेंटेन किया हुआ है इस चीज को। दोस्तों सर ने यहाँ पे जो आपका स्विमिंग पूल है उसके लिए अलग से जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि सर को नीड नहीं थी, तो उसको मेंटेन करना बड़ा भारी पड़ता है स्विमिंग पूल को, क्योंकि सर NRI है, तो सर की एक बिटिया है क्योंकि वो बाहर है, तो सर भी अब यहाँ से फ्री होके बिटिया के साथ ही आप शिफ्ट होना चाहते हैं, यही रीजन है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का। बाकी तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉपर्टी सर छोड़ने लायक है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये एनवायरमेंट बड़ा, अभी अगर हम बैठे तो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ों का व्यू आ रहा है, जैसे हम हिमाचल में जाते हैं या मनाली जाते हैं, वहां पैसे दे के वो व्यू खरीदा जाता है, बिल्कुल है ना, तो वो यहाँ पे सर वो फील आ रही है। जो जो सराउंडिंग्स आप मतलब कि हिमाचल वगैरह में जाके दूर से देखते हैं, वो आपके घर में है, घर में है सर। हाँ, एक एक ये पीछे जो बैकग्राउंड है ये पहाड़ घर में ही है, घर के अंदर ही है, बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल दीवार के बाद ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, दीवार के बाद ही मतलब की। और ये सारी की सारी अरावली की शाखाएं हैं सर, जो गांव से सोना से राजस्थान तक जाती है, बिल्कुल अरावली की पहाड़ियां। हाँ,
और दूसरा एक चीज और है, एक ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यहाँ से नहर भी निकलने वाली है। अच्छा, ये जो पानी जो आएगा ये बाउंड्री वॉल के पीछे से ही निकलेगा। ओके, यानी इसके साथ में ही। हाँ, क्योंकि इन्होंने बांध बनाने शुरू कर दिए हैं। ओके, हाँ, यहाँ से अब आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तो 3-4 बांध जो है नल, जिसको बोलते हैं नले के अंदर, उन्होंने बनाने ऑलरेडी बन चुके हैं एक्चुअली। ओके, हाँ, तो पानी की भी इस तरह की कोई समस्या यहाँ नहीं रहने वाली है। और घर का ही मतलब कि हमारा बोरवेल है और भरपूर पानी है, पिछले 7 साल से यूज कर रहे हैं और इस बार तो इतनी अच्छी बारिश हुई है कि लेवल बहुत बढ़ गया इस बार तो पानी का। अच्छा, बारिश काफी। हाँ जी, घर का पानी है, घर की बिजली एक तरीके से। तो सर्वेंट के रूम प्रॉपर आपने बना रखे हैं? हाँ जी, पीछे 4 रूम हमने बनवाए हुए हैं अटैच लेट पास के साथ में, और उसके सामने बरांडा बनाया है, वो भी एरिया जो है तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो पशु के लिए भी आपने अलग से एरिया छोड़ा हुआ है? हाँ जी, पशु के लिए पूरा बनाया हुआ है। 3 गायें हैं आपके पास? हाँ जी, 2 गायें, 1 बछिया है, और वो मतलब कि एक्चुअली उसमें 4 गायें आराम से रह सकती हैं, और एक हट भी बनाई है हमने डॉग्स वगैरह के लिए। ओके, हाँ, वो काफी प्यारी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ये फार्म हाउस है, वेल मेंटेन फार्म हाउस है, न्यूली डेवलप फार्म हाउस है, क्योंकि सर ने बताया 2021 में इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी और तकरीबन ये 2 साल से यहाँ पे रहना, 2 साल से रह रहे हैं, और इसी का खुद का यहाँ पे बोरवेल भी है और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरीके की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसमें इन्वायरमेंट है, अगर आप चाहे तो इसको किराए पे भी चढ़ा सकते हैं आगे, बट सर का तो कुछ अलग ही प्लान है क्योंकि सर बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं यहाँ से, तो यही रीजन है इसको सेल करने का। तकरीबन 1.25 एकड़ का ये फार्म हाउस है और वेल मेंटेन है, अच्छा डेवलप किया हुआ है, आप चाहे तो इसकी विजिट कर सकते हैं। बाकी डिटेलें आपने वीडियो के अंदर प्रॉपर देख ली है। 4 बेडरूम का ये डुप्लेक्स फार्म हाउस है और इसमें अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो 1 बेडरूम ग्राउंड पे है, लिविंग, डाइनिंग, किचन, पाउडर रूम, ये आपके ग्राउंड पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो 3 मास्टर बेडरूम आपके फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलते हैं, यानी 4 बेडरूम बहुत गजब के बेडरूम हैं क्योंकि उनके साइज बहुत बड़े हैं। उनके अंदर अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम के अंदर ही आपके ड्रेसिंग एरिया और काफी बड़े वॉशरूम साइज आपको देखने को मिलते हैं। हर बेडरूम के साथ बैल्कनी है, वाइड बैल्कनी है, तकरीबन 6 फीट वाइड बैल्कनी यहाँ पे इस फार्म हाउस के अंदर मिलती है। तकरीबन 1 बेडरूम के साथ तो बहुत बड़ा डेस्क, तकरीबन 20 से 25 फीट वाइड डेस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टेरेस के ऊपर प्रॉपर सोलर पैनल का जो सिस्टम बैकअप है वो प्रॉपर प्लान किया हुआ है, और यहाँ अगर आप चाहते हैं भाई कुछ ऑर्गेनिक खेती भी करना तो उसके लिए भी प्रोविजन है, और अगर आप चाहते हैं स्विमिंग पूल अपने हिसाब से बनाना बच्चों के लिए या अपने लिए, उसका भी प्रोविजन अलग से छोड़ा हुआ है। वेल गेटेड है, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे से लैस है ये फार्म हाउस, लाइटिंग, गार्डन प्रॉपर मेंटेन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसका फील नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ बैठा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ का जो फील, जो इन्वायरमेंट है वो अलग ही है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको इस तरीके का फार्म हाउस नहीं मिलेगा और अच्छे रेट पे मिलता है दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर प्रॉपर खरीदने के लिए और एक लाइफस्टाइल आगे बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हर प्रकार की प्लानिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, ये फार्म हाउस है, दिवाली नजदीक आ रही है, आप अपने लिए एक बेटर प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी अगर फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अच्छा है। हो सकता है दिवाली के ऊपर, क्योंकि सर को भी कहीं बाहर सेटल होना है, तो बेटर ऑप्शन आप लोगों के मिल सकता है, एक बढ़िया गिफ्ट आप फैमिली को दे सकते हैं। तो रवि जी, कुछ और जो मैं भूल रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए? मैं ये कहूँ कि बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब कि मैंने यूटिलाइज किया है सारा मटेरियल्स वगैरह। अब आपने विंडो जो देखी है, कुछ विंडो तो 18x22 की एक सिंगल विंडो है, और ये जो विंडो है UPVC विंडो जो है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी फिनिस्टा उसकी हमने इस्तेमाल की है। एक एक चीज हम, मैंने और मेरी वाइफ ने दिल्ली से जाके मतलब कि जो भी पैनल्स हैं या सनमाइका है या आपका चारकोल शीट है, ये सब हमने मतलब कि दिल्ली के कीर्ति नगर से परचेज की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए अपना बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकालने के लिए। होप ये वीडियो बहुत से लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।